नमस्कार, सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि प्यासी। भौगोलिक तौर से विलीन हो चुका विंध्य प्रदेश वैचारिक तौर पर आज भी हमारे दिलो दिमाग को मथ रहा है। वैसे तो विंध्य प्रदेश के पुनरुदय की ललक रखने वाले कई संगठन सक्रिय हैं, किंतु उनमें से एक है मैहर विधानसभा का चौथी बार नेतृत्व कर रहे विधायक नारायण त्रिपाठी ने 2003 से ही हमारा विंध्य हमें लौटा दो का नारा बुलंद करते हुए विंध्य के आम आवाम से अपने हृदय तल की गहराइयों से पुकार लगाई कि आप हमें 30 सीट दें, हम आपको विंध्य देंगे। उनके इस आह्वान से जहां एक ओर यहां के नेताओं और छात्रों के हृदय में विंध्य प्रदेश को लेकर आग धड़कने लगी, वहीं दूसरी ओर आम आवाम से कही गई बात कि छोटे राज्य सर्वाइव नहीं कर सकते, ये थ्योरी उलट गई। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना का कुछ ही सालों में अकल्पनीय विकास किसी से छुपा नहीं है। जहां एक ओर थके हारे नेताओं को विंध्य का मुद्दा वोट मटेरियल नहीं लगता, वही मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी अपने तरीके से विंध्य की हत्या कथा लिखी। नारायण हर उस आहत आक्रोशित विंध्य वासी के साथ खड़े हैं जिसकी कल्पना में विंध्य प्रदेश की तरक्की का मुकाम है। आज अगर विंध्य प्रदेश होता तो अपने संसाधनों के बल पर देश के श्रेष्ठ राज्यों में से एक होता, किंतु उसे सैसो काल में ही सजाए मौत दे दी गई। नई पीढ़ी को इस त्रासदी का सच बताना अब जरूरी हो गया है। अब विंध्य में एक आवाज आई नारायण इतिहास के कोर सच को बताते हुए। उन्होंने विधानसभा में ऐलान किया था कि मैं विंध्य के उन वीर व्यक्तियों के संकल्प के साथ सदैव खड़ा रहूंगा जो आज भी विंध्य का सपना सजाए बैठे हैं। अंधेरा छटेगा, सुबह होगी और प्राची से विंध्य प्रदेश का पुनरुदय होगा और हमारा विंध्य मूर्त रूप लेगा और विकास की वास्तविकता को पा सकेगा। धन्यवाद। यदि हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।